145 मीरा भयंदर विधानसभा के इस प्रचार सभा में उपस्थित सभी जनमान्य व्यक्तिगण, उपस्थित भाइयों बहनों और दोस्तों, 21 अक्टूबर को आप लोग जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि ये चुनाव इस शहर का चुनाव है, ये दिल्ली का चुनाव नहीं है। इसलिए आप लोग कृपया करके इस शहर के भविष्य के संदर्भ में सोच करके, विचार करके अपना फैसला कीजिएगा, वरना आपको दिल्ली की गाड़ी दिखाई जाएगी और दिल्ली का पार्लियामेंट दिखाया जाएगा और उसके नाम पे आपसे इस शहर के भविष्य के ऊपर वोट मांगे जाएंगे। पिछले 30-35 सालों में हमने इस शहर में क्या किया है, आप में से कई लोग इस बात को जानते हैं, जानते हैं नहीं जानते हैं आप लोग? हाथ उठा के बताइए कितने लोग जानते हैं। सभी लोग जानते हैं, ये भी जानते होंगे कि पिछले 30-35 सालों में ना हमारे पे ना हमारे परिवार के किसी सदस्य पे किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप हुआ है, कभी सुना आपने? तो राजनीति का सामाजिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि आप सार्वजनिक जीवन में क्यों हो, वजह क्या है? क्या आपको धन संपत्ति कमाना है, ये वजह है? क्या आप कोई बहुत बड़े पदाधिकारी मंत्री बनना चाहते हैं, वो वजह है? कि आप जनसेवा करना चाहते हैं, वो वजह है? तो हमारी तो ये वजह है कि हम जनसेवा करना चाहते थे और इसीलिए हमने जनसेवा इस शहर में किया और काम करके दिखाया। ठीक है, पिछले 5 सालों के अंदर हमारी पार्टी का ग्राफ नीचे गया, लोगों की विचारधारणा बदली, पर 5 सालों में जिस लोक प्रतिनिधि को लोगों ने यहां से चुन करके भेजा, उसने क्या किया इस शहर में? मैं आरोप नहीं करता हूं किसी पर, मगर आप सब लोग जानते हैं कि क्या हुआ है। आपने पेपर में भी पढ़ा है, न्यूज में देखा है, टीवी पे सुना है, व्हाट्सएप पे देखा है, सोशल मीडिया पे देखा है, असेंबली के अंदर जो चर्चाएं हुई, आरोप प्रत्यारोप है, वो भी आपने देखा है। और अभी तो जब पर्चा भरा गया है विधानसभा का, जब पर्चा भरा गया है तो उसमें तो बाकायदा उम्मीदवार को लिखना पड़ता है कि उसके ऊपर कितने गुनाह, कितने क्रिमिनल केसेस उसके ऊपर है। तो ये भी आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? मेरे ऊपर 365 केसेस है, कितनों को पता है, हाथ उठाइए। मेरे ऊपर 2 केस है, हमने बलजबरी से लोगों की दुकान और मकान और इंडस्ट्री तोड़ी जा रही थी भयंदर में, तो हमने वहां आंदोलन किया था, काशी मेरा में आंदोलन किया था, तो वो आंदोलन के 2 केस हमारे ऊपर है। और जो प्रत्याशी भाजपा का हमारे सामने है, उसने विधानसभा के क्षेत्र के अंदर ये कहा था कि मेरे ऊपर 1 भी केस नहीं है, और अभी जब पर्चा भरा है तो 22 क्रिमिनल केसेस है। ये पब्लिक डोमेन में है, इलेक्शन कमीशन के साइट के ऊपर है। आपके सामने 2 प्रत्याशी भाजपा के माध्यम से आए हैं, एक जो इंडिपेंडेंट है और एक जो सिंबल पे है। जो सिंबल पे है वो अपनी धन संपत्ति को प्रोटेक्शन देना चाहता है, इसलिए राजनीति में है, ऐसा स्पष्ट मुझे तो नजर आता है। उसके पीछे का टारगेट ही एक ही है कि धन संपत्ति जमा करे और उसका प्रोटेक्शन करे। और जो दूसरे प्रत्याशी है वो अपना ईगो सेटिस्फेक्शन करने के लिए कि टिकट नहीं मिली इसे मुझे चुनाव लड़ना है और मुझे इसे हराना है, ये उनका उद्देश्य है। मगर हमारा उद्देश्य यह है, हम इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि जो पिछले 5 सालों में शहर के अंदर भ्रष्टाचार और अन्याय बढ़ा है उसे कहीं ना कहीं रोकना है, खत्म करना है। गरीब से गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय व्यक्ति, अमीर से अमीर आदमी, चाहे वो ठेले वाला हो, रिक्शे वाला हो, भाजी मार्केट वाला हो, स्टेट एजेंट हो, बिल्डर हो, इंडस्ट्री वाला हो, हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति जो है नाराज है, परेशान है। किसी की इंडस्ट्री तोड़ दी, किसी की दुकान तोड़ दी, किसी का ओटला तोड़ दिया, इंडस्ट्री वाला कुछ मकान ऊपर बना दिया तो उससे हफ्ते वसूली हो रही है। इतना ही नहीं,
तो पिछले 5 सालों में मीरा भयंदर की महानगर पालिका 750 करोड़ रुपए के कर्जे में है। कितने लोग आप लोग जानते हैं इस बात को, हाथ उठा के बताइए। आप लोग जानते हो, सब लोग जानते हो कि 750 करोड़ रुपए का कर्जा है। राजकुमार जी ने बताया तो फिर मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। 750 करोड़ रुपए पिछले 5 साल में महानगर पालिका कर्जे में चली गई। हमने और राष्ट्रवादी ने 91 में पहली बार नगर पालिका का चुनाव हुआ, उस दिन से लेके आज तक हम लोगों ने नगर परिषद और महानगर पालिका चलाई, मगर कभी इतना बड़ा कर्जा महानगर पालिका पे नहीं हुआ। कहां गए पैसे, ये सवाल उठता है। आप पे क्यों डबल टैक्स लगा दिया गया कचरे का, जबकि कचरे का टैक्स आपके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में टैक्स लिया जा रहा है, उस टैक्स को हटाना है, ये मेरा लक्ष्य है। मीरा रोड लोकल शुरू करनी है, ये मेरा लक्ष्य है। भयंदर की ट्रेन बढ़ानी है, ये मेरा लक्ष्य है। दहिसा टोल नाका हटाना है, ये मेरा लक्ष्य है। इस शहर में और पानी ला करके लोगों का पानी का बिल कम करना है, ये मेरा लक्ष्य है। जो कोर्ट का काम हमने कोर्ट बना करके रखा हुआ है, उसका उद्घाटन तक ये नहीं कर पाए पिछले 5 साल में, वो कोर्ट को यहां शुरू करना है, ये मेरा लक्ष्य है। हर समाज को भवन देने का वायदा इन्होंने किया पिछले मैनिफेस्टो में, जितनी बातें मैं कर रहा हूं, रेलवे का, टॉल का, रेलवे का तो इन्होंने कभी बात ही नहीं करी, कभी सोची तक नहीं, क्योंकि लैम्बोर्गिनी में ये घूमते हैं तो इनको रेलवे से क्या संबंध आता है। स्टेशन का विकास हम लोगों ने किया, उद्घाटन किसने किया, उद्घाटन इन्होंने किया। हमने 2 ट्रैक से 4 ट्रैक कर दी, लेकिन कभी नारियल भी नहीं फोड़ा। 9 डब्बे से 12 डब्बे कर दी, मगर कभी लोगों को जाके बोलने की हमको जरूरत नहीं पड़ी। इस शहर के अंदर, शांति नगर के अंदर 1.5 MLD पानी आता था, मीरा भयंदर को 175 MLD पानी हमने 15-20 साल में लिया है, मगर कभी हमने फलक और बोर्ड नहीं लगाया, कि मुझे गर्व है। शहर में जगह जगह पे हमने प्लेग्राउंड बना दिया, शांति नगर, शांति विहार, पूनम गार्डन, पूरे शहर में भयंदर, जैसल पार्क, चौपाटी मेरे फंड से बनी है, आज मैं बताता हूं। मगर हमने कभी बोर्ड नहीं लगाया कि मुझे गर्व है, क्योंकि हम उसको अपना काम समझते हैं, अपना कर्तव्य समझते थे कि लोगों ने हमको चुन के इसके लिए दिया है कि हम ये काम करें, तो उसमें हमने अगर काम किया, लोगों ने चुन के दिया और हमने काम किया, तो उसमें गर्व मारने वाली बात नहीं होती है। हमें संतुष्ट होना चाहिए कि भाई हमारे हाथों से काम हुआ, जनता ने जिस कारण हमको चुन के दिया था, हमने उसे उस पद को न्याय दिया, हमने उस काम को पूरा किया। तो ये कई काम अभी हमको इस शहर में करना है और इसीलिए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 2-3 साल बल्कि मेरी हेल्थ काफी खराब थी, स्पाइन की 3 सर्जरी हो गई, 3 साल में 18 महीने में बेड रिडन था, हॉस्पिटल और बेड पे था। लोग मिलने आते थे और लोग इस बात को कहते थे कि साहब आपने शहर से दरकिनार हो गए हो, आपकी हेल्थ के चलते हुए या अन्य वजह से हुए, मगर आपकी शहर को जरूरत है, आपको आने वाले विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। जब पिछले दिवाली से मैं चलना फिरना शुरू हुआ तो मैं तकरीबन 10,000 परिवार को दिवाली, गणपति, नवरात्रि, ईद, क्रिसमस, न्यू ईयर में जाकर के इस शहर के तकरीबन 10,000 परिवार को मैं पर्सनली मिला और सबसे राय जानी कि क्या मुझे चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं चाहिए। और यह सवाल भी हमने पूछा कि भाई मैं मोमेडन हूं, मुस्लिम हूं, तो क्या देश भर में जो एक माहौल चल रहा है पोलराइजेशन का, उसका इंपैक्ट होगा क्या, वो पड़ेगा, और कि लोग इस तरह से सोचेंगे नहीं हमको तो हिंदू को ही वोट देना है, ये फला व्यक्ति हमारा हिंदू है इसलिए हम उसको देंगे, मुजफ्फर हुसैन मोमेडन है हम उसको नहीं देंगे। आप मानिए मेरी बात को, 10,000 परिवार को जो मैं मिला उसमें मोमेडन परिवार नहीं थे, सारे हिंदू परिवार दोस्त थे हमारे, मिलने वाले थे, इस शहर के लोग थे। उन्होंने मुझसे कहा और आपका और आपके परिवार का आज तक कभी किसी के मुंह में, किसी के जुबान पे ये अल्फाज हमने नहीं सुना कि आप कभी धर्मवाद और भाषावाद या प्रांतवाद करते हो, इसलिए आपको लेकर के ये विषय चाहे विरोधी पक्ष पार्टी कितना भी गोलमोल कर लेवे, माइक लेकर के रास्ते पे खड़े रहने के चिल्ला देंगे,
तब भी लोग इस बात पे विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जीवन, आपकी शैली, आपने जो किया, सभी धर्म, सभी भाषा, सभी प्रांत के लोगों के लिए आपने, सभी वर्ग के लोगों के लिए आपने काम किया है। और मैं देख रहा हूं, आज मैं शहर में घूमता हूं, मैं देखता हूं कि हर वर्ग से, हर समाज से मुझे वही प्रेम मिलता है। और लोग ये कहते हैं, लोग आते हैं सामने से, कोई कहता है आपने मेरे बच्चे का एडमिशन करा दिया, कोई कहता है आपने मेरी माँ का ट्रीटमेंट करा दिया, कोई कहता है मेरे बच्चे की फीस आपने भर दिया, कोई कहता है अरे हमारे यूपी गांव में परेशानी थी, आपने वहां के विधायक को फोन करके हमारा प्रश्न हल कर दिया। हजारों हजारों लोग मुझे हर जगह कोई ना कोई मिलता है, आकर के अपना ये बताता है कि साहब हम आपके साथ है, आपने हमारा काम किया। आज सवेरे मैं जॉगर्स पार्क में था, वहीं पर कोई एक व्यक्ति मिले और उन्होंने भी कहा कि आपने फला काम किया, मुझे तो याद भी नहीं रहता मैंने किसका क्या काम किया। और याद रखने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि हमने ये प्रोफेशन को खुद सेलेक्ट किया, किसी ने जबरदस्ती हमको पकड़ के खड़ा नहीं किया। और हमने ये प्रोफेशन इसके लिए भी नहीं अपनाया कि हम अपनी धन संपत्ति बढ़ावे, बल्कि आज तक के हमने जो कुछ भी किया है शहर के लिए, अपने खुद के मेहनत के पैसे से किया। आपके यहां की स्मशान कब्रस्तान बरेल ग्राउंड 2000 में जब ये नगर परिषद से महानगर पालिका मैंने बनवाई थी, विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे तब, ये स्मशान कब्रस्तान बरेल ग्राउंड जॉगर्स पार्क हमने बनाया। उस वक्त मैंने अपने व्यक्तिगत पर्सनल, तभी मैं विधायक नहीं था और 2000 से लेकर 2000 तक नगर पालिका नहीं थी, चीफ ऑफिसर था, अपने पैसे व्यक्तिगत 6 करोड़ रुपए लगा करके मैंने ये बनाया। शायद 6 करोड़ रुपए मैंने धंधे में लगाया होता, बिजनेस में लगाया होता, तो मेरे पास भी 500 करोड़ की आज प्रॉपर्टी होती। मगर मेरे पास उस 500 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं है, मगर 5,000,00,000 करोड़ से ज्यादा लोगों की आशीर्वाद और दुआ मेरे पास, जितने लोगों की अंतविधि वहां पे हुई है, उनका परिवार, सभी समाज का, जितने लोग ये जॉगर्स पार्क यूज करते हैं, सभी लोग मन से जो है मुझे दुआ देते हैं। और जिसको दुआ जब आदमी दिल से देता है, उसका कभी ना कभी भला जरूर होता है, उसका बुरा हो नहीं सकता। और यही वजह है कि लोगों का जो काम हमने किया, सेवा हमने करी, इतनी बड़ी सर्जरी होने के बाद भी आज मैं चलता फिरता हूं। डॉक्टर को भी आश्चर्य है, क्योंकि डॉक्टरों ने भी कहा कि आपकी मूवमेंट जो है 50% से ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि अभी आपकी डिस्क हम निकल चुकी है, हमने प्लेट बिठाई है, तो आपको बेंडिंग अलाउड नहीं है, आपको स्ट्रेस संभाल के चलना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, ट्रैवलिंग अलाउड नहीं है। मगर मैं आप लोगों की दुआ से आज 22 घंटे चल रहा हूं, काम कर रहा हूं। ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की कृपा है और लोगों की दुआ है। कभी किसी का बुरा नहीं किया, सभी का अच्छा किया, सभी की अच्छी बात करी, नहीं हुआ तो नहीं किया, हो सकता तो हां बोला, नहीं हो सकता तो ना बोला, मगर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम या गलत बातें करने का काम हमने कभी नहीं किया। इसीलिए मैंने कहा कि ये चुनाव आपके शहर का चुनाव है, आप किस लोक प्रतिनिधि को चुनोगे उसका चुनाव है। क्या आपको अच्छा लगता है जब पेपर में, टीवी में, न्यूज में छपके आता है, आपकी भी गांव से, शहर से, मुंबई से कभी ना कभी किसी ने जरूर पूछा होगा, अरे आपके यहां का तो विधायक, उसके ऊपर एक केस हो गया। पूछा है कि नहीं पूछा है? आपके रिश्तेदार, दोस्त जो मुंबई गांव में रहते हैं, कभी तो पूछा होगा आपको? हाथ उठा के बताइए कितने लोग पूछा है। तो क्या आपको अच्छा लगता है कि जिस शहर में आप रहते हो, जो प्रतिनिधि को आपने चुना है, उसका नाम कहीं अच्छी जगह आने के बदले बुराई में उसका नाम आता है? कि हाईकोर्ट ने कहा कि इसके ऊपर केस दाखिल करो, इसने मैंग्रोव खत्म किया, इसने डंपिंग ग्राउंड खत्म किया, इसने वेटलैंड खत्म किया, और शहर में पानी भरता है, शहर में पानी भरता है, उसकी वजह पता आपको क्या है? मैंग्रोव को काटना, वेटलैंड को भुजाना, नेचुरल फ्लो के नाले को बंद करना, इसकी वजह से शहर की हालत बुरी है। 5 साल हो गए हमने पूरे शहर में जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन प्लान के तहत अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बनाई, पूरे शहर में 9 जगह बनाई, मगर उसका नया टेंडर नहीं निकला, उसको बिल्डिंग से कनेक्ट नहीं किया, वो एसटीपी का प्लान आज तक चालू नहीं किया। क्यों नहीं किया? बस हम लोगों ने 50 लाइन उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया, 12 बसें चल रही है, नया टेंडर नहीं दिया, जब दिया तो जो कॉन्ट्रैक्टर ब्लैकलिस्टेड है उसको दिया गया, फिर भी बसेस चालू नहीं हुई है। आपको दिखती है मीरा भयंदर की बसेस? दिखती है किसी को? हमने मैनिफेस्टो में, हमारा मैनिफेस्टो आप लोगों ने शायद देखा होगा,
91 में बीएसटी की बसेस पहले महीने शुरू कराई, 91 में अक्षर धाम मंदिर जो है स्वामीनारायण वाले, यहां पे कितने लोग हैं स्वामीनारायण, जरा हाथ उठाइए स्वामीनारायण मंदिर वाले, पटेलों में से कोई नहीं है। 91 में स्वामीनारायण मंदिर, आपका श्री कृष्ण मंदिर, ये अयप्पा मंदिर, ये सारे मंदिरों का निर्माण मैं ये नहीं कहता कि हमने किया, मगर हमने उसको मदद करी, तब जाकर ये धर्मस्थल यहां पे तैयार हुए। आज लोग क्या कर रहे हैं उस पर नाम चेंज कर रहे हैं, स्मशान कब्रस्तान बरियल ग्राउंड पे से नाम हटा दे रहे हैं। मेरा नाम लिखा था कि मैंने बनाया तो वो नाम निकाल देते हैं, बोर्ड निकाल देते हैं, तोड़ के फेंक दे रहे हैं सत्ताधारी। मुझे लोग कहते हैं साहब ये बोर्ड आपका निकाल दिया, मैंने कहा कि बोर्ड से निकाल सकता है, लोगों के दिल से कैसे निकाले। तो मेरे दोस्तों आप लोगों को यह फैसला करना है कि 21 तारीख को ये कांग्रेस का सिंबल, इसके ऊपर बटन दबा करके आपको बहुमतों से मुझे चुन के भेजना है और इस शहर के अंदर के भ्रष्टाचार और अन्याय को दूर करना है। यही विनंती करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ था। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद मुजफ्फर हुसैन साहब। बालक करुणा प्रियता विपाद्याग्रह प्रथम नो नलकूबरो दुर्गजित चिंतामणि कौस्तुभ स्वामी शक्तिधरा लांगल धरा प्रतिदिनम कुर्वंत विजयम कुर। धन्यवाद भैया।